क्या आप भी अपना पैसा डबल करना चाहते हो तो ये स्टॉक आपके लिए है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये स्टॉक आपका पैसा डबल करके देगा। आप लोग देख सकते हो इस स्टॉक का प्राइस जो है 1821 रुपया है और इसने 1 महीने के अंदर 13% का रिटर्न दिया है, और मैं 1 साल की बात करूं तो 72% का रिटर्न दिया है, और 5 साल का बात करूं तो 2170% का रिटर्न दिया है। 2170% का रिटर्न 5 साल के अंदर आप लोग देख सकते हो। यदि आप इसमें 100 रुपया भी लगाते तो आपको पता चल जाता कितना रुपया ये आपका रिटर्न करके देता। और मैक्सिमम की बात मैं करूं तो आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम पे। तो इसमें आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ऐसा इसका रीजन भी है, कारण भी है, मैं सब कुछ बताऊंगा और आप इसको फर्दर रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि जो प्रमोटर होल्डिंग है 39% है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है 9.94 माने 10% आप मान सकते हो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूट की जितनी भी कंपनियां हैं जो होल्डर हैं इसमें देख सकते हो 22.23% है। और रिसेंटली जून में म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने अपना कम से कम 1% इसमें इंक्रीज किया है। और मैं बात करूँ इसका प्रॉफिट एंड सेल्स की, तो आप लोग देख सकते हो कि जो प्रमोटर होल्डिंग है 39% है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग तो आप लोग देख सकते हो ये सेकंड माने थर्ड नंबर पे है, मार्केट कैप इसका थर्ड नंबर पे है अपने इस कैटेगरी के स्टॉक में। तो आप इसका आप ये पेनी स्टॉक नहीं मान सकते, एक इसे मिड कैप स्टॉक मान सकते हैं, क्योंकि यह अपने जो है लार्ज वो भी मार्केट लीडर नहीं मान सकते हैं, तो थर्ड नंबर पे है। और इसका सेल्स की बात करें तो 33% का सेल्स हुआ है, और 5 साल के अंदर सेल्स की बात करें तो 50% का हुआ है। और प्रॉफिट की मैं बात करूं 3 साल के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है, 61% का प्रॉफिट हुआ है, और 5 साल की बात करूं तो 49.45% का प्रॉफिट हुआ है। और जो रिटर्न मिला है 3 साल के अंदर 85% का रिटर्न मिला है, और 5 साल के अंदर रिटर्न जो मिला है वो 86% का रिटर्न मिला है। और आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग मैंने आपको बता ही रखा है, और इसका जो कंपनी का जो नाम है वो आप इधर देख सकते हो, इसको गूगल पे सर्च करके फर्दर रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि एक मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले कुछ समय के अंदर ये आपका पैसा डबल करके ज़रूर देगा। तो आप लोग देख सकते हो ये सेकंड माने थर्ड नंबर पे है, मार्केट कैप इसका थर्ड नंबर पे है अपने इस कैटेगरी के स्टॉक में। तो आप इसका आप ये पेनी स्टॉक नहीं मान सकते, एक इसे मिड कैप स्टॉक मान सकते हैं।